आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो दर्शकों, वक्त हो गया है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्दी ही लौटते हैं। वेलकम बैक दर्शकों, इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में के इस खंड में हम बात करेंगे समाज सेवा से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने हमेशा ही अपने आप को समाज सेवा के प्रति समर्पित कर दिया। मेरी मुराद है राजेंद्र प्रसाद मुरथलिया जी से, जो ओम शिव निष्काम समिति शालीमार बाग के अध्यक्ष हैं। मुरथलिया जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। थैंक यू। पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जो संस्था है वो समाज में कब से है, उसकी स्थापना कब से हुई है और इसकी स्थापना का मुख्य लक्ष्य क्या रहा? ओम शिव निष्काम सेवा समिति 1998 में वजूद में आई जी, और इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारा था वो एक्चुअल में समाज में जो डॉक्टरों द्वारा लूटपाट की जाती है जी, मतलब एक कोई भी आदमी बीमार हो गया, वो आदमी अगर किसी डॉक्टर के पास दिल्ली जैसे शहर में जाता है तो उसकी 50 तरह के टेस्ट बता दिए जाते हैं, और टेस्ट के साथ साथ जो उसको दवाइयां लिखी जाती है वो भी बहुत महंगी लिखी जाती है। शुरू शुरू में हमारा जो ध्येय था एक तो ये था, हम एक हॉस्पिटल बनाए जिसके अंदर मतलब दवाइयां फ्री हों। समाज सेवा में ऐसे जैसे किसी की शादी करनी है, कोई महामारी फैल गई, जैसे चिकनगुनिया की पिछले साल महामारी फैली जी जी। उसमें हमने दिल्ली के अंदर 15-20 कैंप लगा करके चिकनगुनिया और डेंगू की दवाई फ्री बांटी, जिसमें हमारे तकरीबन 25-30 हज़ार आदमी को दवाई दी और 90% रिजल्ट हमारा बढ़िया रहा और ठीक हुए। मुरथलिया जी, मुझे एक बात बताइए कि क्योंकि देश हमारा है, इसमें बहुत सारे धार्मिक उत्सव पर्व आते हैं और कांवड़ यात्राएं होती है लंबी लंबी, उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराने का काम बहुत सारी संस्थाएं करती है, तो आपकी समिति कांवड़ यात्रा के दौरान क्या क्या करती है? हमारी संस्था पिछले 20 साल से जी बागपत और मेरठ के बीच में एक मंदिर है, पूरा महादेव जी का मंदिर जी, जो भगवान परशुराम जी द्वारा स्थापित किया गया हिंडन नदी के साथ पास में, उसमें पिछले 20 साल से हम एक मेडिकल कैंप लगाते हैं, कैंप नहीं बल्कि एक पूरा हॉस्पिटल टाइप उसको बनाते हैं जिसमें 15 से 16 मेडिकल स्टाफ के लोग होते हैं, जिसमें 12-13 नर्सें होती हैं, 4 डॉक्टर होते हैं, सर्जिकल तक का भी हम वहाँ पे लोगों की सेवा करते हैं। अभी हमारा ये कैंप 19 जुलाई से 21 जुलाई तक अभी फिर लगने जा रहा है। मुरथलिया ने समाज सेवा की धारणा को किस तरह से एक दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया कि समाज सेवा से, दीन दुखियों की सेवा से आत्म संतोष मिलता है, आत्म संतुष्टि मिलती है और यही ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद मुरथलिया जी, आपने हमारे स्टूडियो में आए और अपने अनुभव से परिचित कराया। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का। अगले सप्ताह नई शख्सियतों से